आज बात करने जा रहे हैं शरणार्थियों और प्रवासियों के बारे में। जो हम लोगों का देश है, इसकी पुरानी ट्रेडिशन रही है सभी लोगों का स्वागत करने की, उनको उनकी मदद करने की और एक इंसान के तरीके से दूसरों को देखने की। हमारे देश के एक बहुत बड़े संत रहे स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में सारे देश के लोग बहुत सम्मान करते हैं, और उन्होंने इस देश के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में एक बहुत खास बात कही थी जब 1893 में शिकागो में वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में भाषण दे रहे थे। वो भाषण बहुत ही मशहूर है और हर जगह कोट किया जाता है। तो इसके बारे में उन्होंने जो कहा, मैं थोड़ा उस भाषण में से आपको दो लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एंड आई कोट, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन विच हैज शेल्टर्ड द परसिक्यूटेड एंड द रिफ्यूजीज of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. Swami Vivekanand ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वो एक ऐसे देश और एक ऐसे धर्म से आते हैं जिन्होंने दुनिया भर के शरणार्थियों को और ऐसे लोगों को जो अपने देशों में सताए गए थे, उनको हमने शरण दी, हमारे देश ने उनको अपना बनाया और अपना बनाकर अपने पास रखा। तो ये हमारी परंपरा है और ये हम अपने देश की सरकार से भी और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहते हैं कि हमारे देश की यह परंपरा हमें और आगे लेके जाना चाहिए। हमारी सोच रही है वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। हम अतिथि देवो भव मानने वाले लोग हैं कि जो भी आए हम उसे देवता के समान उसका आदर करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः मानने वाले लोग हैं, जो सभी के सुख के बारे में विश्वास करते हैं कि सभी को सुखी होना चाहिए। तो ऐसे में चाहे कोई शरणार्थी या रिफ्यूजी या माइग्रेंट, तो चाहे कहीं से भी हो, और खास तौर से आजकल हम रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर काफी चर्चा देखते हैं, जो दूसरे देश से सताए हुए लोग आ रहे हैं, हमारे देश की परंपरा के हिसाब से हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए, इसलिए इस मानवता के नाते हमें उनका सहयोग करना चाहिए। उसके अलावा हम अपने देश के अंदर के माइग्रेंट्स के बारे में देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, तमाम दूसरे राज्यों के गरीब लोग माइग्रेट करके शहरों में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, बंबई में आते हैं, और वहां के लोग सोचते हैं कि ये लोग आके इस शहर को गंदा कर रहे हैं। सच तो यह है कि माइग्रेंट्स की मेहनत की वजह से ही हमारा देश तरक्की कर रहा है, और आखिर जो लोग पहले से बसे हुए हैं, हमारे जैसे लोग भी तो कभी ना कभी इस शहर में कहीं से आए ही थे, बस यह है कि हम कुछ दिन पहले आ गए इस शहर में और ये लोग अभी आ रहे हैं। तो हम सभी लोग कभी ना कभी, हमारे फोर फादर्स माइग्रेट किए हुए हैं कहीं ना कहीं से। सो हमको उसी इज्जत के साथ इन नए माइग्रेंट्स को भी जगह देनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उस तरह से गर्व ऐसा देश बनाए जिससे पे कि हम गर्व कर सकें और हिंदू धर्म के लोग भी उस पर गर्व कर सकें कि हाँ, हमने सभी को अपनाया और हम आज भी सभी को अपनाते हैं।